नमस्ते। हनुमंता फिल्म्स में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे अंदेशा, शक या अनुशासन के तोड़ने पर उत्पन्न होने वाले रस के बारे में, जो 9 रस में से बहुत ही महत्वपूर्ण रस है, जिसे हम भयानक रस कहते हैं। भयानक रस के अस्थाई भाव है भय। तो जानते हैं कि भय की उत्पत्ति कैसे होता है। जब व्यक्ति या पात्र को किसी वस्तु, व्यक्ति, सामाजिक प्रतिष्ठा, शारीरिक या मानसिक किसी तरीके से नुकसान होने हो जाने का अंदेशा या शंका या अनुपालन तोड़ने पर सजा मिलने के जहां पे शक संदेह हो वहां पे भय उत्पन्न होता है। अब भय जब उत्पन्न होता है तो चेहरे पे क्या होता है? चेहरे पे हवाइयां उड़ने लगती है, होठ पे फपरी, होठ पे होठ सूख जाता है, गला सूखने लगता है, शरीर कांपने लगती है, पसीना पसीना हो जाता है ना। यह भय की पहचान। अब कुछ एग्जांपल के तरीके से हम आपको बताते हैं कि भय कैसे उत्पन्न होता है। आप मान लिया कि आपके या मेरे लाइफ में, सभी के लाइफ में एक स्टूडेंट कभी हम थे, विद्यार्थी थे, तो होमवर्क पूरा न करने पर या टीचर के आज्ञा पालन न करने के अंदेशा से हम भयभीत रहते थे। अगर होमवर्क नहीं किया तो टीचर मारेंगे, अगर उनका अनुपालन नहीं किया आज्ञा के तो मुझे सजा देंगे, है ना। इस तरह से हम होमवर्क करके जाते थे, टाइमली जाते थे। आप जब हम बड़े हुए, नौकरी पेशा जिम्मेदारी वाले हुए, तो ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में जब बॉस का अनुपालन होता है तो हम अनुपालन करते हैं, जो भी आज्ञा देते हैं, जो भी काम देता है। अगर हम लेट हो जाते हैं तो मुझे इस बात की अंदेशा रहता है कि लेट हो गए तो हाफ डे मेरा कटेगा, तो इसलिए हम फटाफट जल्दी करके जाते हैं। अगर कोई बॉस ने या कोई हमारे सीनियर स्टाफ ने हमें कुछ काम करने के लिए दिया और काम समय पर नहीं पूरा होता है तो अंदेशा लगा रहता है, डांटेंगे, हमारा प्रमोशन रुक जाएगा या न जाने क्या क्या बोलेंगे, इस बात का अंदेशा रहता है, तो हम उसको करते हैं। दूसरा है कि अब आपके अंदेशा यह है कि आपके घर में संपत्ति, धन संपत्ति है और चोर ले गया तो उसके हिफाजत में लगे रहते हैं। अब परेशान रहते हैं कि हमारा ये चोर संभाल लेते, इस बात पे जब अंदेशा होता है तो भी डर भय उत्पन्न होता है। अब सामाजिक प्रतिष्ठा कि अगर किसी को मैंने कुछ कह दिया या किसी ने मुझे करते हुए देख लिया तो मेरी तो इज्जत चली जाएगी या कोई, है ना, तब भी वहां पे डर उत्पन्न होता है। अब है कि एग्जाम्पल एक और देते हैं हम आपको। आप अकेले सुनसान रास्ते में चले जा रहे, रात के समय, अचानक अंदेशा हुआ या भूत हुआ तो वैसे भूत के नाम आपके चेहरे में संदेह उत्पन्न होता है तो आप दाएं बाएं देख लेते परेशान और धीरे धीरे और कपकपी आने लगती है और फिर गला भी सूखने लगता है और इधर उधर देखते हैं हकलन। और जैसे कोई अचानक कुछ हुआ, किसी यार में कुछ खड़खड़ाहट, कुछ ऐसे हुआ, बचाओ भूत, भले भूत नहीं लेकिन एक अंदेशा, भूत बचाओ, और तेजी से भागते हैं, है ना। या अंदेशा है आप सुनसान रास्ते चले जा रहे, रास्ते पर अचानक आपके सामने ये अंदेशा उत्पन्न हुआ कि डाकू हुआ, मेरे पास पैसे छीन लिया, मेरे सामान छीन लिया, मुझे मारेगा, तो भी अंदेशा जाते धीरे धीरे और अचानक आया लगा दिया शॉक के साथ डर, अरे अब हकलाने लगते हैं, गला सूखने लगता है, पसीना पसीना, शरीर कांपने लगती है, अरे फिर गिरे आते भैया छोड़ दो ना। ये जहां पे अंदेशा आपके किसी तरीके से नुकसान होने का हो वहां पे भय उत्पन्न होता है ना।
तो आप समझिए कि भय जब उत्पन्न होता है कैसे उत्पन्न होता है, उसका पहचान क्या है। पहचान सिंपल सा, चेहरे पर परेशानियां, होठ गला सूखना, होठ बार बार गीला करना, दाएं बाएं देखना, शरीर में जब ज्यादा होता है शरीर में कंपन होने लगती है, शरीर पसीना पसीना है ना, ये उसकी निशानी है जब होता है। और क्यों होता है, जहां भी संदेह किसी चीज के नुकसान होने का हो, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, मानसिक हो। कि अब मानसिक में इसलिए बोला कि अब चले जा रहे बैठे हुए अचानक कुछ जॉली मूड में, अचानक कोई आ गया, अबे पकाएगा, पकाने के अशांति भंग करेगा वहां पे, तब भी आपके किसी अशांति का भय से आप तो परेशान दिखते हो, है ना। तो ये है भय उत्पन्न होने के कारण। आप जानते हैं भयानक रस के परिभाषा, जब कोई पात्र या व्यक्ति किसी चीज के खोने या अनुशासन तोड़ने पर सजा मिलने का, या शारीरिक मानसिक आर्थिक नुकसान होने का जहां अंदेशा शक उत्पन्न हो, वहां पे भयानक रस की उत्पत्ति हो। जब पात्र या व्यक्ति को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, या किसी चीज के अंदेश या समझने का अंदेशा जहां उत्पन्न हो, वहां भय की उत्पत्ति होता है। अर्थात चेहरे पर जो भाव डर के परेशानी के दिखे, वो भाव भय है, और उससे उत्पन्न होने वाले भावना भयानक रस कहलाता है, है ना। यह है भयानक रस। तो सिंपल सा है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि भयानक रस उत्पन्न हो तो क्या क्या परेशानियां होती है, है ना, क्या क्या कठिनाइयां होती है, गला सूखता है, आवाज नहीं निकलती है, बचाओ बचाओ, है ना। और कभी कभी कल आपने देखा हो सपने, देख सपना आप देखते हैं, सपने में देख रहे हैं कि आपको कोई मार रहा है, किसी तरह की परेशानी, अचानक चिल्लाते उठते हैं बचाओ बचाओ, और पूरा शरीर पसीना, शरीर कांप रही, पसीना पसीना है, और जब अब दाएं बाएं देखते हैं, अरे तो बोलता रहे तो सपना था, बच गए, है ना। ये चीज भयानक रस है। अब भयानक रस जहां भी हो वहां पे आपको नुकसान होने का ही अंदेशा होता है। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा रस है, बहुत प्यारा रस है, और नौ रस का एक महत्वपूर्ण रस है। तो भयानक रस पे आप प्रैक्टिस कीजिए, और मुझे उम्मीद है कि ये भयानक रस आपको हॉरर फिल्म में ज्यादा काम आता है। दूसरा, और नॉर्मल लाइफ में भी है, हर फिल्म में भी है कि कम या ज्यादा, लेकिन है तो रस महत्वपूर्ण रस ना, महत्वपूर्ण रस को हमेशा आप प्रैक्टिस में डालिए और प्रैक्टिस कीजिए, तो कोई भी चीज देखा या क्या बोलते उसको हार्ड नहीं है, सब इजी है, और इजी भाव में काम कीजिए। तो यह है भयानक रस की, हमने बड़ी आसान और सिंपल आम बोलचाल में बताया, मैंने वो अपना ऐसा भाषा या शब्द होना चाहिए जो हर व्यक्ति को आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए इस तरह की भाषा का हमने प्रयोग किया है, शब्दों का चयन किया है। तो ये रस कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बताएं। और हाँ, अगर आप एक्टिंग सीखना चाहते हैं या डायरेक्शन सीखना चाहते हैं या राइटिंग सीखना चाहते हैं, तो कमेंट्स करके जरूर बताएं, हम आपसे संपर्क करेंगे और आपको एक्टिंग गारंटी के साथ में सिखाएंगे, एक सफल एक्टर बनाएंगे। नमस्कार।